Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। जैसा कि मैंने पहले आपको परसेंटेज के कई सारे टाइप आपको पढ़ा चुका हूं, उनमें मैं आपको इनिशियल फाइनल पढ़ा चुका हूं। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप का प्रयोग आने वाले अर्थमेटिक के सभी टॉपिकों में होगा। और उसके अलावा जो मैं पहले आपको एक और टाइप कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, उसके बाद आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज के एक और नए टाइप के साथ आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें नया कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा। ये कंसेप्ट भी सेम जैसे इनिशियल फाइनल है, सभी टॉपिकों में यूज होगा, उसी प्रकार से ये कंसेप्ट भी हर टॉपिक में यूज होगा। अर्थमेटिक का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें इस टाइप का यूज नहीं हो। इससे पहले जो मैंने आपको इनिशियल फाइनल बताया और जो आज मैं आपको ये कंसेप्ट कराने जा रहा हूं, ये दो कंसेप्ट आपके हर जगह आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा होगा उसमें आ जाएंगे, और ये आपके माइंड में उस तरीके से सेट हो जाएंगे जब तक अर्थमेटिक खत्म होगा तब तक। अभी आपकी समझ में अगर थोड़ा कम आ रहा है तो बेटा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज खत्म होने के बाद जैसे ही आगे के टॉपिक आएंगे तो यही चीजें जो सेम यहां चल रही हैं, यही चीजें फिर से उन टॉपिकों में रिपीट होंगी, क्योंकि अर्थमेटिक पूरा एक ही तरीके से खत्म होगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसमें तरीके चेंज नहीं होंगे, लिखने का कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चन की सॉल्यूशन सेम रहेगा, एक ही तरीके से सारे सॉल्व होंगे। और जो फ्रैक्शन है ये लास्ट तक चलेगा, रट जाएंगे आपको उंगलियों पे क्वेश्चन रट जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस और इतना वो करा दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप समझते चलिए, अभी जो वीडियोस आ रहे हैं, अभी जो मैं आपको ये करा रहा हूं, इसमें केवल आप कंसेप्ट को समझें, उसको पकड़ें। समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप वीडियो में जो नीचे YouTube पर कमेंट सेक्शन आता है उसमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको उन डाउटों को क्लियर करूंगा। अपने डाउट के लिए SD कैंपस आगरा के WhatsApp चैनल में और Telegram चैनल में जुड़ें, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको PDF भी मिल सके और PDF के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर हो सके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं चलता हूं अब आज एक नए कंसेप्ट के साथ। तो देखो आज हम एक नया कंसेप्ट परसेंटेज का पढ़ने वाले, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ के। देखो पहला वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है सेम वही है, मजे से पढ़ें बिल्कुल बैठ कर, कोई भी टेंशन नहीं लेनी भाई। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, मुझे ऑनलाइन का जो मजा है वो भी पता चला है, कुछ भी नहीं, कुछ शोरगुल नहीं, कुछ नहीं, ना कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप आराम से बैठ के देख रहे हो वीडियो। लेकिन भाई देखो तुम आलस मत करो ना, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे ही बैठ के आलस मत करना कि सो गए सोते सोते, ऐसा नहीं। वीडियो देखें, जब अपने कॉपी रखें साइड में, पेन रखें, नोट करें, जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं बढ़िया लग रही हैं उनको नोट करें और ऐसे पढ़ें बिल्कुल फुर्ती से भाई, जोश में आगे पढ़ें, जैसे जोश में पढ़ा था वैसे बैठ के जोश में पढ़ें, बिल्कुल सुस्त नहीं रहना है, ठीक है, आलस नहीं आना चाहिए बिल्कुल। अगर सिलेक्शन लेना है तो आलस तो त्याग दो, नींद त्याग दो, आलस त्याग दो, जोश ले आओ अपने अंदर। तो देखो कंसेप्ट जोश से भरपूर, तो देखो भाई कंसेप्ट देखेंगे आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो पहले मैंने आपको बताया था कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूले इस प्रकार से होते हैं, कुछ फॉर्मूले इस प्रकार से होते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की कुल आय इनकम और प्लस उस व्यक्ति ने कितने खर्च किया, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, या ये कह सकते हैं कि इनकम जो है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर के प्लस सेविंग्स के। अगर बेटा कोई भी
जो आपने वीडियोस देखे हैं पहले ये है, किसी भी वीडियो में कोई भी कमी हो जाती है तो आप कमेंट करके बताएं, उसको मैं क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो मुझसे गलती नहीं होगी। टाइपिस्ट जो टाइप करता है, ये आपकी पीपीटी को टाइप करता है, उस पर भी एरर हो सकती है, तो आप बस उसको बताएं, आपका जो डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा। गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, टाइपिस्ट से, किसी से भी हो सकती है, तो आप जो है तुरंत उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मुझे पता लगे कि क्या एरर हुई है। जैसे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन में हिंदी में अलग टाइप हो गया था, इंग्लिश में अलग टाइप हो गया था, तो ऐसे एरर हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको जो है बता दिया करें। तो मुझे स्टूडेंटों ने बताया, तो मैंने उन्हें बताया कि इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, हिंदी में क्वेश्चन दूसरा टाइप हो गया, गलती से टाइपिस्ट की एरर हो गई है, टाइपिंग एरर हो गई है। वैसे मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, फिर भी हो जाती है। तो देखो, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के। अगर हम हिंदी में बात करें तो इनकम का मतलब है आय, किसी व्यक्ति की कुल आय कितनी है वो बराबर होती है कितना खर्चा करता है खर्च के, और प्लस उसकी बचत कितनी है। बचत, सेविंग्स का मतलब होता है बचत, व्यक्ति कितने रुपए बचाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको इस चीज को समझाऊंगा। एग्जांपल ऐसे होंगे बिल्कुल देसी, एक ही बार में समझ में आएगा, कोई वो नहीं होगा इंग्लिश टाइप में कुछ भी नहीं होगा उसमें, बिल्कुल देसी एग्जाम्पल होगा। जैसे मान के चलो आपकी जेब में 100 रुपए हैं और उसमें से 70 रुपए खर्च हो गए, तो आपसे पूछा जाए बचत कितनी होगी, तो आप बताएंगे सर 100 में से 70 खर्च हो गए तो 30 बचे। सिंपल सा एग्जांपल है, हम डेली खर्चा करते हैं, मान के चलो मैं पर्स में 100 रुपए लेके निकला, 30 रुपए का मैंने कोई सामान खरीद लिया, तो आप बचत नहीं बचा सकते, 100 में से 30 को घटा देंगे कितना हो गया, 70 हो गया। ऐसे ही हमने इनिशियल फाइनल में भी बताया था मैंने ये वाली चीज। तो ये जो इनकम है आय, ये बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। फिर सेम वही चीज, मान के चलो एक्सपेंडिचर निकालना है तो बचत को अगर इधर लेके आएंगे तो पक्षांतर करने पर पॉजिटिव चीज निगेटिव में आ जाएगी, तो इनकम में से बचत को घटा दें तो खर्च निकल के आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर खर्च निकालेंगे तो इनकम में से बचत को घटा दें तो ये खर्च निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे ही मान के चलो ये जो इनकम है, सेम उसी प्रकार से ये पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया जिसमें दो राशियों का मल्टीप्लाई एक राशि के बराबर है। ऐसे ही मान के चलो कोई व्यक्ति खर्चा करता है, किसी व्यक्ति की इनकम है टोटल, और वो उस इनकम को अलग अलग मदों पर खर्च करता है, अलग अलग मदों पर, मान के चलो ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पर खर्चा करता है, ट्रांसपोर्ट के अलावा मान के चलो हाउसिंग पर खर्चा करता है, हाउसिंग मतलब घर के किराए पर या हाउस से रिलेटेड जो भी है, उसके अलावा मान के चलो बाकी का बैंक में जमा कर देता है। तो इस प्रकार से जितने भी खर्चे वो करेगा उन सभी खर्चों का अलग अलग जोड़ उसकी कुल इनकम के बराबर होगा, जितनी उसकी इनकम है। इन सभी खर्चों के बाद मान के चलो कुछ बचत भी कर लेता होगा, सभी खर्चे करने के बाद कुछ बचत भी, तो बाकी का जो होगा वो क्या होगा, उसकी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है इनकम का मतलब आय, इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। इनकम का मतलब आय, किसी व्यक्ति की आय है उसको वो अलग अलग मदों पर खर्च कर रहा है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है यातायात, यातायात पर जैसे आते जाते हैं, कोई व्यक्ति कहीं रहता है तो काम से इधर उधर आता जाता है तो उस पर उसका खर्चा होता है, तो वो वाला खर्चा है। हाउसिंग का मतलब घर पर खर्चा कितना करता है, घर के किराए पर, बैंक में कितने जमा करता है, बाकी का जो बचेगा सारे खर्चे करने के बाद तो वो उसकी बचत हो जाएगी, तो वो उसकी क्या हो जाएगी भाई, बचत हो जाएगी। तो ये जब कई, अब यहाँ से कंसेप्ट क्या है वो समझेंगे, कंसेप्ट ये है कि जब कई चीजों का जोड़ एक तीसरी राशि के बराबर हो, जैसे यहाँ पर ऊपर वाले में खर्च प्लस बचत जो है वो आय के बराबर है, नीचे वाले में जो आय है उसको अलग अलग मदों पर खर्चा किया गया है, तो सभी मदों का जोड़ जो है वो उसके बराबर है। उसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देखेंगे थर्ड। मान के चलो पैक्ड प्राइस, मतलब पैक किए हुए, बिल्कुल पैक्ड प्राइस, पैक्ड प्राइस किसी भी चीज़ का, मान के चलो आम का, सेब का, पैक्ड प्राइस बराबर होगा उसका खुद का, मतलब खरीद कितनी है, प्राइस कितना है, उसके अलावा पैकिंग का प्राइस कितना है, उसको पैक करने में कितना खर्चा आता है। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं कि आम की कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम है और 1 किलोग्राम आम को पैक करने पर 5 रुपये खर्च हो जाते हैं, या मान के चलो 2 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो आप पैक्ड प्राइस मतलब पैक होने के बाद मूल्य कितना हो गया वो कैसे निकालोगे, तो उसके मूल्य में जितने रुपये का खरीदा है पैकिंग के प्राइस को जोड़ दोगे तो पैक्ड प्राइस आ जाएगा। पैक्ड प्राइस का मतलब है पैकिंग के बाद मूल्य, पैकिंग सहित, पैक्ड प्राइस का मतलब है पैकिंग सहित,
अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि पैक्ड पैक में जैसे मैंने ईडी थर्ड फॉर्म बनाया तो एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव बन गया पैक्ड प्राइस, इसका मतलब पैकिंग सहित जो मूल्य है वो बराबर होगा, उसका वैसे मूल्य कितना है, उसका प्राइस कितना है, कितने रुपए की हम खरीद कर रहे हैं, प्लस पैकिंग खर्च, मतलब पैकिंग में कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, पैकिंग में कितने रुपए का खर्चा हो रहा है, वो ये हो जाएगा पैकिंग का खर्च, पैकिंग में कितने रुपए का खर्चा हो रहा है, तो दोनों के जोड़ के बराबर होगा कि नहीं होगा। पैक्ड प्राइस जो है, पैक्ड प्राइस का मतलब है पैकिंग सहित मूल्य। जैसे मान के चलो ये मोबाइल है, अब मोबाइल का प्राइस है कुछ 4000 रुपए है, और इसको पैक करने का डब्बे का खर्चा मान के चलो 10 रुपए है, तो इसका टोटल प्राइस पैकिंग के सहित कितना हो जाएगा, 4010। मेरे कहने का मतलब आज के कंसेप्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब कोई भी एक राशि अलग अलग राशियों के जोड़ के बराबर हो, और उन क्वेश्चनों में जो जिनके जोड़ के बराबर है इनमें से किन्हीं दो में परसेंटेज में परिवर्तन दिया हो और तीसरे वाले में पूछा हो, जैसे एक्सपेंडिचर में सेविंग में दिया है, इनकम में पूछा हो, ऐसे यहां पर मान के चलो इनकम में परसेंटेज चेंज दिया है कि इतने परसेंट की वृद्धि हुई या इतने परसेंट की कमी हुई, उसके फिर हमें ट्रांसपोर्ट में यहां पर हमें पूछा हो, मान के चलो ट्रांसपोर्ट में हमें दिया है, मान के चलो हाउसिंग में हमें दिया है, बैंकिंग में दिया, उसने पूछा बताइए कितने परसेंट की बचत कर रहा है, इसमें हमसे पूछा हो, ऐसे ही यहां पर किस में पूछ रहा हो, मान के चलो इनकम में हमें दिया है, एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है, सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि कमी हो रही है, और आय में पूछा है, ऐसे ही मान के चलो पैक्ड प्राइस में हमसे पूछा हो, इसमें हमसे दिया हो और पैकिंग में हमसे दिया हो। मेरे कहने का मतलब ये है जब कभी भी कई राशियों का जोड़ एक तीसरी राशि के बराबर हो, जैसे पहले वाले फॉर्मूले से देखेंगे खर्च प्लस बचत बराबर है आय के, जब कई चीजों का जोड़ एक तीसरी चीज के बराबर हो, उनमें से सभी में प्रतिशत परिवर्तन देकर किसी एक में पूछा हो, जैसे यहां खर्च में और बचत में दिया होगा तो आय में पूछेगा, आय और खर्च में दिया होगा तो बचत में पूछेगा, आय में और बचत में दिया होगा तो खर्च में पूछा होगा, बाकी सब में दिया होगा, बस एक में नहीं दिया होगा, उसका आपसे पूछा होगा। जैसे ये है, कोई व्यक्ति अपनी आय को यातायात पर, घर पर, बचत, यहां अलग अलग खर्चा करता है, उसके बाद उसने इन सभी पे परसेंटेज चेंज दे दिया कि उसने अगले वर्ष यातायात पर इतने परसेंट बढ़ा दिया, घर पर इतना परसेंट कम कर दिया, बैंक पर इतना परसेंट, बचत को इतने परसेंट से, उसके बाद इस पे इनकम पे पूछ लिया हो। मेरे कहने का मतलब ये है बाकी सब में परसेंटेज चेंज दिया होगा और किसी एक में पूछा होगा। ऐसे ही पैक्ड प्राइस ये पूछा हो, इन दोनों में दिया हो, या ऐसा हो सकता है इसमें दिया हो पैकिंग के खर्च में पूछा हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे फॉर्मूले में जब कभी भी बाकी सब में परसेंटेज चेंज दिया हो, किसी एक में पूछा हो, तो उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे हमेशा किस प्रकार से, वो देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन को पहचानना समझा दिया आपको, क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे आप, अब ये आपकी समझ में आएगा एग्जाम्पल से, ये आपके समझ में आएंगे क्वेश्चनों से कि मैं जो कह रहा हूं ये क्या कह रहा हूं, वो आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा दिया है, अब क्वेश्चन से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल माइंड में भाई ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, और स्पष्ट नहीं दिखेगा तो आप किसी चीज को देख नहीं पाओगे, और जब उसे देख नहीं पाओगे तो उसे कर कैसे पाओगे। क्लियर क्वेश्चन को स्पष्ट देखने का, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, क्वेश्चन को क्लियर देखने का मतलब ये है कि देखते ही माइंड में ये पता लग गया कि इसका सॉल्यूशन कैसे होना है, और सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब स्पष्ट क्वेश्चन का दिखना, दिखने का मतलब आंख से स्पष्ट दिखने का नहीं है, मेरे कहने का मतलब देखते ही समझ में आ गई सारी चीज है कैसे क्वेश्चन को करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, जो मैंने बताया उसी कंसेप्ट पर आधारित पहला क्वेश्चन, मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है एक व्यक्ति की खर्च और बचत 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका उसका खर्च 20% और बचत 10% से बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूं, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ ए मैन आर इन रेशियो 2:3, इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड सेविंग्स बाय 10% देन परसेंटेज चेंज इन इनकम इज। ठीक है, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, हटा दूं, ठीक है क्वेश्चन को हटा देता हूं, सॉल्यूशन देखेंगे पहले क्वेश्चन का। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, हमने अभी पढ़ा है कि इनकम, आय जो है, किसी व्यक्ति की आय जो होती है वो बराबर होती है, उसने कितने रुपए खर्चा कर दिया एक्सपेंडिचर
और प्लस उसने कितने रुपए की बचत कर ली, सेविंग। शॉर्ट में लिख देता हूं भाई, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर होता है, ये मैंने अभी बताया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, उसने कहा है कि किसी व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब हमें दिया है एक्सपेंडिचर और रेशियो सेविंग। किसी व्यक्ति की खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो जैसे ही ये दिया तो इनकम का रेशियो आपको अपने आप पता लग जाना चाहिए। इनकम का रेशियो आपको अपने आप कैसे पता लग जाना चाहिए कि भाई जब 2 रेशियो वो खर्च कर रहा है, 3 रेशियो की बचत कर रहा है, तो इनकम हो जाएगी 3 और 2 5, ऊपर वाले फॉर्मूले से हो जाएगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, सिंपल सी चीज है, इतना तो पता होगा आपको। कुछ विद्यार्थी कंप्लेन करते हैं सर हिंदी में लिख रहे, बेटा मैं इसको बहुत बार बता चुका हूं, सेविंग क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम क्या होता है, अब इसको हिंदी में लिखने की क्या जरूरत है, काम का टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। तो इसलिए आपको ये तो सिंपल चीजें हैं, समझ में आनी चाहिए, इनकम क्या होती है, सेविंग क्या होती है, ये तो बहुत आसान चीजें हैं। गांव का बच्चा बता देगा इस चीज को। तो 2:3 5 रेशियो इनकम हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, पहचानना, क्वेश्चन को पहचानना, ट्रांसपेरेंसी की मैं बात कर रहा ना, तो उसको वो क्या है, उसको पहचानने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो हमें भाग वाले टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और भाग वाला टाइप क्या कहता है कि आपको किन्हीं 2 में परसेंटेज चेंज दिया होगा, तीसरे में पूछा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको जो रेशियो दिया होगा उसको लिख लेंगे। तो यहां एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो दिया 2:3, उसको लिख लिया। इनकम का हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है दोनों के जोड़ के बराबर होती है, इनकम हो गई 5। अब उसके बाद उसने कहा है क्वेश्चन में, यदि उसका खर्च 20% और बचत 10% बढ़ जाए, तो खर्च 20%, तो किसी भी चीज में जितने परसेंट से परिवर्तन आ रहा है उसमें उतने परसेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो खर्च का रेशियो कितना है 2, और खर्च बढ़ कितना रहा है 20% से, और खर्च का रेशियो कितना है 2, तो खर्च के रेशियो में जितना प्रतिशत बढ़ रहा है मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर बढ़ रहा है तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई करना है, और अगर कमी हो रही होगी तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई करना है। बात क्लियर है। उसके बाद सेविंग कितने परसेंट से बढ़ रही है भाई, 10% से बचत बढ़ रही है। इसका मतलब बचत का रेशियो 3 है, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10% से, और वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के लिए मैं लगाऊंगा प्लस। हमेशा हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बेटा इस चीज का ध्यान रखना है कि वृद्धि होगी तो प्लस लगाएंगे, कमी होगी तो माइनस। ये साइन लगाना इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे इफेक्ट पड़ेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो आप ये ना सोचें कि सर अगर साइन ना लगाएं तो क्या होगा, कमी वृद्धि क्या होगा, कुछ नहीं, साइन को लगाना पड़ेगा तभी हमें पता लगेगा। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 10% की वृद्धि। तो मैंने क्वेश्चन को पहचानने के लिए अभी आपको कंसेप्ट में ये चीज बताई थी कि जब एक राशि 2 राशि के जोड़ के बराबर होगी तो किन्हीं 2 में आपको, मतलब जो है बाकी में समय परसेंटेज चेंज दिया होगा, किसी एक में पूछा होगा। तो हमसे सेविंग और एक्सपेंडिचर में इसने दिया है और इनकम में हमसे पूछा है। तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का परिवर्तन है उस प्रतिशत का, उस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिया। सेविंग में कितने परसेंट का है उसका, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो यहां से हो जाएगा 40% प्लस। ऐसे यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो यहां पर हो जाएगा आपका प्लस का 3 × 10 = 30%। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे प्लस माइनस वाले नियम, अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो भाई जुड़ जाएंगे, अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो मतलब जुड़ जाएंगे, अगर एक माइनस और एक प्लस है तो मतलब घट जाएंगे। तो यहां पर दोनों प्लस प्लस हैं, तो देखो यहां पर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 20% की वृद्धि एक्सपेंडिचर में हो रही है और 2 रेशियो है, तो 20% बढ़ने पर 40% बढ़ जाएगा यहां से। ऐसे यहां पर 10% और 3 रेशियो, तो यहां पर 30% बढ़ जाएगा, 40% यहां से बढ़ेगा, 30% यहां से बढ़ेगा, तो कुल कितना बढ़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल 40 और 30 70%। और 70% को जब इनकम में बताएंगे तो 5 रेशियो है, तो इसको भाग देना 5 से ना भूलें, इनकम के रेशियो से भाग देना ना भूलें। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 14 × 5 = 70, तो आंसर आ जाएगा हमारा 14% भाई, हमारा आंसर हो जाएगा कितना 14%। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जब कई राशियों का जोड़ एक तीसरी राशि के बराबर हो और इनमें से किन्हीं राशियों में परसेंटेज चेंज देकर किसी एक में पूछा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रेशियो लिखेंगे। रेशियो लिखने के बाद जिसमें जितने परसेंट का परसेंटेज चेंज दिया है
उस प्रतिशत का वृद्धि है तो प्लस करके, कमी है तो माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना। तो खर्च में 20% वृद्धि हो रही थी तो खर्च में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया भाई 20% का प्लस करके, तो आ गया 40%। और 3 में मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने 10% का प्लस करके, प्लस करके क्यों कर दिया, वृद्धि है इसलिए 10 और 3 30%। टोटल इनकम में निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ेंगे 40 और 30 70। और भाग से डिवाइड करना ना भूलें, 5 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 14%। तो भाई आंसर कितना हो जाएगा 14% हमारा आंसर हो जाएगा। भाग से डिवाइड क्यों कर रहे हैं भाई, देखो जब हाँ क्यों कर रहे हैं वो चीज समझ लो, यहां पे डिवाइड क्यों करना है। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं 5 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 70 हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे 70 को 5 से भाग ही तो देंगे भाई, उसके लिए इसीलिए तो 14% का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 70 होगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 14%। ये 14% की वृद्धि इनकम में होगी तब ये यहां पे दोनों साइडें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 14% की वृद्धि, या कह सकते हैं प्लस 14%। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहां पर मल्टीप्लाई करके ये ला रहे हैं, मान के चलो हमें ये वाली चीज से और ये वाली चीज लानी होती तो क्या करते हम, 40 को 2 से भाग देते तभी तो 20 आता। तो वही चीज है, ये 70 नीचे वाली चीज आई है, अब हमें ये निकालना है 5 में, मतलब 70 ये वाली चीज है तो हमें यहां पर परसेंटेज निकालना है तो इस 5 से भाग देना पड़ेगा। तो जो पूछा उसके रेशियो से भाग देना ना भूलें, आंसर आ जाएगा हमारा 14%। क्लियर है, स्पष्ट समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, कहीं भी मैंने कोई भी डाउट छोड़ा नहीं है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर रह गया हो बेटा तो आइए पूछिए टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी जहां तुम्हारा मन हो वहां पूछिए, ठीक है। देखो आज की क्लास का एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा सेकेंड क्वेश्चन, दिखने लगेगा, देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो, पढ़ो जल्दी से और करने की कोशिश करो, सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे बिल्कुल समझाऊंगा, उसके बाद उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा, जिससे कि जो मैं करा रहा हूं वो आपको बिल्कुल कंटस्ट माइंड में सेट हो जाए भाई, ठीक है, सेट हो जाए। तो देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पढ़ेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज अलग है भाई, बस लैंग्वेज अलग है। पढ़ के सुना दूं क्वेश्चन को, देखो, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:4 है, एक परीक्षा में 14% लड़के फेल हुए जबकि 7% लड़कियां फेल हुई, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए भाई, दूसरे क्वेश्चन का हटा दूं क्वेश्चन को, पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है, सॉल्यूशन देखो, देखो भाई मुझे एक बात बताओ मेरे भाई कि क्लास में टोटल स्टूडेंट, क्लास में टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंटों की संख्या बराबर होती है, क्लास में बॉयज कितने हैं और प्लस क्लास में गर्ल्स कितनी हैं, यही होता है कि नहीं होता बताओ। लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या टोटल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होती है, इसका मतलब हमारा जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है इस क्वेश्चन में वही काम करेगा, क्योंकि दो चीजों का जो जोड़ है वो तीसरी चीज के बराबर है। इनमें से किन्हीं दो में परसेंटेज में कुछ दिया होगा, तीसरे में पूछा होगा, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, उसने दिया है बॉयज रेशियो गर्ल इन द क्लास, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, तो टोटल स्टूडेंटों का रेशियो भाई मैं यहां से बता सकता हूं 4 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंटों का रेशियो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, एक परीक्षा में 14% लड़के फेल हुए और 7% लड़कियां फेल हुई, इसका मतलब 14% लड़के फेल हुए, मैंने आपको अभी बताया है कि परसेंटेज का रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है, तो लड़के कितने फेल हुए भाई 14%, तो मल्टीप्लाई 14%, यहां वृद्धि कमी की बात नहीं, यहां फेल पास की बात है, तो प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 14% लड़के फेल हुए, 14% लड़के फेल हुए परीक्षा में, 14% लड़के फेल हुए, लड़के 14% फेल हुए, लड़कों का रेशियो है 3, तो कुल कितने लड़के फेल हो गए, तो 14 × 3 करेंगे तो 14 = 42% लड़के फेल हो गए भाई। उसके बाद लड़कियां कितनी हुई, 7% फेल और रेशियो कितना है 4, तो 7% लड़कियां फेल हुई है, 4 रेशियो है, तो लड़कियों के रेशियो में 7% से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुल लड़कियां कितनी फेल हो गई, 7 × 28%, 28% लड़कियां फेल हो गई, 42% लड़के फेल हो गए। अब मैं हमसे पूछा बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए उसके लिए जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 2 10 0 1,
और 4 और 2 6 और 1 60, टोटल कितने हो गए भाई 70%। और भाग से डिवाइड करना ना भूलें, 7 से भाग देंगे तो इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने परसेंट फेल हो गए, 10% हमारा आंसर हो जाएगा, तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहां पर बॉयज रेशियो गर्ल, सबसे पहले रेशियो लिखना, कुछ नहीं करना, अगर रेशियो बना के दिया है तो अच्छी बात है, बना के नहीं दिया तो पहले बनाना पड़ेगा। सबसे पहले रेशियो लिखना है, रेशियो लिखने के बाद जिसमें परसेंटेज दिया है उसका मल्टीप्लाई करना है। उसने कहा 14% लड़के जो हैं वो फेल हुए, लड़कों का रेशियो कितना है 3, 14%, तो कुल लड़के कितने फेल हुए ये निकालेंगे, तो 14 42% लड़के फेल हो गए, और 7% लड़कियां फेल हुई, तो 7 × 4 28% लड़कियां फेल हो गई। और उसने पूछा कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो 42 और 28 को जोड़ना पड़ेगा तभी तो टोटल स्टूडेंट आएंगे, तो 42 और 28 70% बटे 7, तो कितना परसेंट आ गया भाई आंसर, 10% आ गया। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है, क्लियर आया होगा समझ में, सेम जो पीछे कराया था उसी टाइप का है। और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं बचेगा। इस प्रैक्टिस पे से भी डाउट बच जाता है तो आप टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर आके पूछिए भाई, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहां पर सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से कराई जाएंगी, सही तरीके से, जो सिलेक्शन के लिए सिलेक्टेड चीजें कराऊंगा भाई, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन, एक और थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन, आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां 4:1 के अनुपात में हैं, 75% लड़कों और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, ठीक है भाई, ऐसे कितने लड़के हैं जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, पढ़ लेंगे एक बार और, पढ़ लेंगे, पढ़ लिया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन बताऊं, बिल्कुल सेम है जैसे पहले कराए हैं मैंने दो क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार का है, कुछ भी नहीं है। देखो तीसरे क्वेश्चन में भाई, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, उसने बॉयज और गर्ल, तो हमें पता है क्लास में कितने टोटल बॉयज हैं और प्लस कितनी लड़कियां हैं, दोनों का जो जोड़ है वो बराबर होता है क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, इसके बराबर होता है, तो वही कंसेप्ट है। तो यहां पर हमें रेशियो दिया है बॉयज और गर्ल का 4:1, बॉयज का गर्ल से रेशियो दिया है 4:1, तो बॉयज का रेशियो दिया है 4 और गर्ल्स का रेशियो दिया है 1, तो टोटल स्टूडेंट का हम निकाल सकते हैं 4 और 1 कितना हो गया भाई 5, टोटल स्टूडेंटों का रेशियो कितना हो गया 5। उसके बाद उसने कहा है कि विद्यालय में लड़कों को 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात आ गई इस क्वेश्चन में, यहां पर अगर जो विद्यार्थी रट रहे होंगे वो क्या करेंगे, 70 और 75 का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। तो वहां से जो आंसर आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि कुल विद्यार्थी ऐसे कितने हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन आपको ये निकालना है कि छात्रवृत्ति कितने परसेंट को, मैं आपको बता देता हूं, एक्सप्लेन करके ही बता देता हूं, मैंने जैसे बताया सेम उसी से करते हैं, फिर आपको मैं बाद में बताता हूं कि यहां पे क्या है। तो उसने कहा 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो लड़के हैं कितने 4:1 और 75% को मिलती है, तो मल्टीप्लाई 75% से कर दूं तो यहां पर हमारे पास ये निकल के आ जाएगा कुल कितने प्रतिशत लड़कों को छात्रवृत्ति मिली, तो 4 × 20 = 2 2800 को छात्रवृत्ति मिली टोटल, ठीक है, और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 70% से, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 70% से, तो यहां से ये आ जाएगा कितने प्रतिशत लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, तो 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, 300% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली, तो कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, 370% दोनों को जोड़ना पड़ेगा तभी तो कुल निकल के आएगी। और 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 20, तो कुल कितने परसेंट बच्चों को छात्रवृत्ति मिली, तो 74% कुल विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली, लेकिन उसने हमसे आंसर पूछा कि कितने परसेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिली, ये पूछा है। तो जब कभी भी ऊपर परसेंटेज दिया हो किसी और का और नीचे पूछा हो कुछ और, जैसे छात्रवृत्ति मिलने वालों का परसेंट दिया है तो नीचे पूछेगा छात्रवृत्ति न मिलने वालों का परसेंटेज, तो अगर हम परसेंटेज का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छात्रवृत्ति मिलने वालों का परसेंटेज आएगा, अगर ना मिलने वालों का निकालना है, मेरे कहने का मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है वो आंसर करना है, तो उसके लिए
टोटल विद्यार्थी अपने आप में 100% होंगे, 100% में से छात्रवृत्ति मिलने वाले 74% को अगर मैं घटा दूंगा तो बाकी के जो बचेंगे 26% वो ऐसे विद्यार्थी आ जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो आंसर होगा 26%। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब आपको परसेंटेज दिया हो आपको ऊपर छात्रवृत्ति प्राप्त होने वालों का और नीचे पूछा हो छात्रवृत्ति न मिलने वाले छात्र, तो लास्ट में 100% में से आपको उसको घटा के आंसर करना है। और उसके अलावा अगर मान के चलो पास वाला परसेंटेज दिया पूछ लिया फेल, तो भी फिर यही करना है क्योंकि जो परसेंटेज निकल के आएगा वो पास वालों का निकल के आएगा, फेल निकालेंगे तो 100 में से घटा के फेल वाले निकल के आएंगे। और उसके अलावा 100 में से घटाना क्या होता है, स्टूडेंट यहां तक कर लेता है ना तो वो फिर एग्जाम में ये घटाना भूल जाता है, तो उसके लिए एक तरीका है एक और दूसरा कि जो काम हम लास्ट में कर रहे हैं उस काम को पहले से ही करके चलें। पहले से ही करने का मतलब बता देता हूं मैं एक दूसरे तरीके से, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, एक और दूसरा तरीका बता देता हूं। पहले से ही करने का मतलब यह है कि उसने हमसे लास्ट में यह पूछा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो हम मल्टीप्लाई ना मिलने वालों से ही करके चलें। जैसे 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे कितने होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तो 100 में से 75 को घटाएंगे तो ऐसे कितने होंगे 25%, सीधा 25% से ही पहले मल्टीप्लाई करके चलें। मेरे कहने का मतलब जब हमसे उसने ये पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो हम उसी परसेंट से मल्टीप्लाई करें जितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 25% का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितने प्रतिशत लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, 100% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ऐसे यहां पर 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है लेकिन हमें चाहिए ना मिलने वाले, तो 100 में से 70 को घटाएंगे तो कितने होंगे 30%, तो 30% का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 100% लड़कों को नहीं मिलती, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है 130%। और भाग 5 से डिवाइड करना ना भूलें, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा देखो 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, आपका आंसर 26% आ गया, जो मैंने पहले वाले तरीके से निकाला था सेम वही आ गया। और ये आंसर को आप चाहें तो एक शॉर्ट से तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि ये वाला जो परसेंटेज होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगा, 30 और 25 के बीच में जैसे 26 है वही ऐसे ही आएगा। और अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इधर कितना है 25, इधर कितना है 30, और बीच में उसको लिख लो आंसर को, तो आप देखेंगे तो देखो 4:1, 30 में से 26 को माइनस करेंगे 4 और 26 में से इसको 1, तो ये ऊपर वाला रेशियो निकल के आएगा हमेशा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर ये रेशियो निकल के नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ये क्या है एक्चुअली रूल ऑफ एलिगेशन का उल्टा है ये वाला टाइप। रूल ऑफ एलिगेशन में आपको ये परसेंटेज दिए होंगे तीनों और रेशियो पूछता है, यहां पर रेशियो दिया होगा कुछ परसेंटेज दिए होंगे, 1% आपसे पूछा होगा, इस वजह से ये वाली चीज है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको मल्टीप्लाई या तो ये यार ध्यान रखें मल्टीप्लाई आपको उस परसेंट से करना है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जैसे फेल वाला परसेंटेज पूछा है तो फेल वाले से ही मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मल्टीप्लाई जो दिया उसी से करेंगे हम, तो फिर आप क्या करेंगे लास्ट में 100 में से घटा के आंसर कर देंगे। दोनों तरीके बता दिए, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी टाइप में भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखेंगे आज की क्लास का 4th क्वेश्चन। अब मैंने ये टाइप बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखो स्क्रीन पर आपको चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ के बता देता हूं। एक दौड़ में 3:7 के अनुपात में लड़कियों और लड़कों ने भाग लिया, यदि 70% लड़कियों ने दौड़ जीती और 80% लड़कों ने दौड़ जीती तो कितने प्रतिशत छात्र दौड़ हारे। ऊपर परसेंटेज दिया है जीतने वालों का, नीचे पूछा है हारने वालों का, सेम जो पीछे क्वेश्चन कराया है उसी का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको तो आप कर लेंगे, देखो पढ़ेंगे जल्दी आसानी से और कर भी लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि जरूर कर पाएंगे अगर कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो। एक टाइप में पहले बता चुका हूं तो कर लेना चाहिए, चलो ठीक है मैं करा देता हूं। देखो 4th क्वेश्चन में क्या कहा है, सेम है कुछ नहीं है। 4th क्वेश्चन में लड़के और लड़कियां एक रेस में भाग ले रहे हैं 3:7 के अनुपात में, मतलब गर्ल्स, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, रेशियो बॉयज बराबर दिया है 3:7, हम लिखेंगे टोटल पार्टिसिपेंट टीपी कितने हैं, तो टोटल पार्टिसिपेंट आ जाएंगे 7 × 3 = 10, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे 70% लड़कों ने दौड़ जीती और 80% लड़कियों ने दौड़ जीती,
अब क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि मैं 70-80 का सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, लास्ट में 100 में से घटा दूंगा, और एक तरीका ये है कि मैं पहले से ही घटा के मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो जैसे यहां पर बाद में हमसे क्या पूछा है, कितने परसेंट विद्यार्थियों ने दौड़ हारी, तो हमें लड़कों और लड़कियों के परसेंटेज का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हारने वालों का ही मल्टीप्लाई करके चलेंगे, तो सीधे हारने वाला परसेंटेज आएगा, और अगर जीतने वालों के परसेंटेज का मल्टीप्लाई करके चलेंगे तो जीतने वाला आएगा, फिर हारने वाला निकालने के लिए 100 में से घटाना पड़ेगा, तो मैं पहले से ही उसको माइनस करके चलूंगा। तो लड़कियों ने यदि 70% लड़कियों ने दौड़ जीती तो लड़कियां कितने परसेंट हारी, तो 70 को 100 में से माइनस करेंगे, कितने परसेंट हार गई, 30%। तो टोटल लड़कियां कितने परसेंट हार गई, 30 × 30 90% लड़कियां रेस में हार गई। ऐसे ही लड़के कितने हैं, 80% ने जीती, तो हारेंगे कितने भाई, 80 को 100 में से घटाएंगे तो हारेंगे कितने, 20%। तो 20 × 7 = 140% लड़के दौड़ में हार गए, 140% लड़के हार गए, 90% लड़कियां हार गई। तो कुल विद्यार्थी टोटल कितने व्यक्ति दौड़ हार गए, 140 में 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 230% ने दौड़ हारी, और 10 से दे देंगे भाग, भाग से डिवाइड करना ना भूलें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23%। चेक करने के लिए 23% देखो 30 और 20 के बीच का होगा, देखो बीच का है, और ज्यादा मतलब कंफर्म करना है, वैसे इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। 20 और 23, देखो 23 में से 20 को घटाएंगे 3, और 30 में से इसको घटाएंगे कितना, 7। देखो ऊपर वाला रेशियो आ गया 3:7, इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, देखो आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि टाइप को अच्छे से समझा दिया है, सारे पॉइंट मैंने क्लियर करा दिए हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो भाई 5वां क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ के बता देता हूं। 5वां क्वेश्चन, 9,887 रुपए की एक धनराशि 5 व्यक्तियों ए बी सी डी में इस प्रकार बांटी जाती है। एक धनराशि है, 5 व्यक्तियों ए बी सी डी ई में इस प्रकार बांटी गई कि बी को ए से दुगनी धन मिला, सी को बी से 50% अधिक धनराशि प्राप्त हुई, डी को सी से 133.33% धन प्राप्त हुआ। डी को सी का, ई को डी से 25% अधिक धन मिला, तो यदि ये पांचों अपने धन का क्रमशः 80, 75, 60, 90, 95% खर्च कर देते हैं तो पांचों की कुल बचत प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है भाई, देखेंगे। ऊपर खर्चों का परसेंटेज दिया है और लास्ट में पूछा क्या है भाई, बचत का परसेंटेज पूछा है। पहले खर्चों का परसेंटेज दिया है, लास्ट में बचत का परसेंटेज पूछा है, तो हमारे पास करने का तरीका क्या है कि अगर हम खर्चों के परसेंटेज का, पहले तो रेशियो बनाना पड़ेगा, इसमें रेशियो बना के नहीं दिया। रेशियो बनाने के बाद अगर खर्चों के परसेंटेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्चा आएगा, फिर 100 में से घटा के बचत निकालनी पड़ेगी, या हम ऐसा कर सकते हैं कि सीधा बचत के परसेंटेज का मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वही दो तरीके, क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है, बस लैंग्वेज का फर्क है भाई। देखो 5वें क्वेश्चन में, तो ए बी सी डी ई 5 में बांटे गए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए को मिली धनराशि प्लस बी को मिली धनराशि प्लस सी को मिली धनराशि प्लस डी को मिली धनराशि और प्लस ई को मिली धनराशि, ये टोटल अमाउंट के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। जब ये एक राशि इन सभी के जोड़ के बराबर है तो हमारा कंसेप्ट भाग वाला काम करेगा, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वही कंसेप्ट काम करेगा। अब इसमें सबसे पहले रेशियो बनाना पड़ेगा भाई, रेशियो देख लेते हैं। उसने कहा है कि इस प्रकार बांटी गई कि बी को ए से दुगना धन मिला, तो देखो इन लैंग्वेजों में सबसे पहले रेशियो बनाना पड़ेगा। बी को ए से दुगना धन मिला, इसका मतलब बी रेशियो ए कितना हो जाएगा भाई, 2:1। ठीक है, बात क्लियर है, बना के दिखा देता हूं कैसे बनाएंगे रेशियो। उसके बाद उसने सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, सी को बी से 50% अधिक धनराशि मिली, सी को बी से 50% अधिक, तो 50% अधिक का फ्रैक्शन 3/2 किसको, सी को, और किससे, बी से, तो 3:2 हो गया भाई। 50% अधिक का फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये मैं बता चुका हूं आपको, 50% अधिक का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/2। कौन कौन कह रहा है ये, सी, किससे कह रहा है, बी से, तो बी का रेशियो नीचे सी का ऊपर, तो मैंने वही किया है, सी रेशियो बी जो है वो 3:2 हो जाएगा। उसके बाद देखो भाई आगे, आगे कहा है कि डी को सी का 133.33%, तो 133.33% कितना होगा, 133.33% कितना होगा भाई,
वन प्लस एक बटे तीन चार बटे तीन होगा कि नहीं होगा, तो किसको मिला है डी को और किसका मिला है सी का, तो डी रेशियो सी कितना हो जाएगा 4:3। ठीक है भाई, उसके बाद ई को देख लेते हैं, उसने कहा है उसके बाद ई को डी से 25% अधिक धनराशि मिली, तो ई को डी से 25% अधिक, तो 25% अधिक का फ्रैक्शन कितना बनेगा 5/4, किसको ई को किससे डी से, तो डी रेशियो ई बराबर आ जाएगा 4:5। ठीक है, यही रेशियोज बन जाएंगे सभी, ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है ये ऊपर, ये आपकी माइंड ही माइंड में हो जानी चाहिए भाई, माइंड ही माइंड में ऐसे सीधा रेशियो। अब देखो आप सारे रेशियो जो हैं उनमें देखो, यहां पर बी का मान दो, यहां पर बी का मान दो, तो रेशियो सही है, समान है, दोनों में समान है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सी का मान तीन, यहां पर तीन, दोनों में समान है, सही है, ये भी रेशियो सही है। डी का मान चार, डी का मान चार, इसका मतलब ये भी रेशियो, सारे रेशियो सही है। अब यहां से ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी हमारे पास आ गया। ए का मान होगा 1:, बी का मान होगा 2:, सी का मान होगा 3:, डी का मान होगा 4:, और ई का मान होगा 5, और टोटल अमाउंट निकालेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 3 15 रेशियो बन गया, आधा काम तो हमारा फिनिश हो गया। अब बस क्या है, कुछ नहीं करना, जो परसेंटेज दिया उनका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखो उसने परसेंटेज किसका दिया है, परसेंटेज दिया है खर्च का, और लास्ट में पूछा क्या है बचत। अगर परसेंटेज ये खर्च का देकर हमसे खर्च ही पूछा होता तो मैं इन परसेंटेजों का सीधा मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन उसने पूछी है बचत, तो इसको करने के दो तरीके हमारे पास, कि हम सीधा मल्टीप्लाई करके खर्च का परसेंट निकाल लें 100 में से घटा दें, या पहले से ही इस खर्च के परसेंट को बचत के परसेंट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ज्यादा आसान पड़ेगा, यही कर लेते हैं। ठीक है, तो यही कर लेते हैं। तो इसने कहा है कि 80% ए जो है वो खर्च करता है, तो बचत कितनी करेगा भाई 20%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से। बी जो है वो 75% खर्च कर देता है, तो बचत कितना कर लेगा भाई 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी 60% खर्च कर देता है, तो बचत कितना कर लेगा भाई 40% कर लेगा। ऐसे ही डी 90% खर्च कर देता है, तो बचत कितना कर लेगा 10%। ये 95% खर्च कर देता है, तो बचत कितना कर लेगा भाई 5%। तो देखो ए ने 20% बचत की, और उसका कितना है मान, उसका मान कितना है 1:1, तो 1 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, तो यहां से बचत कितनी हो गई ए की कुल 20%। ऐसे यहां पर 2 की बी का रेशियो है, 25% बचत करता है, तो कुल बचत इसकी कितनी हो गई 25 × 2 = 50%। ऐसे यहां पर 40 दिया, टोटल कितना हो गया भाई 120%। 10 × 4 यहां से बचत कितनी हो गई 40%। 5 × 5 यहां से बचत कितनी होगी 25%। अब निकालेंगे सभी की कुल बचत, तो कुल बचत निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ के टोटल बचत निकालेंगे, तो 25 और 40 कितनी हो गई भाई 65 हो गई, 65 और 20 कितनी हो गई 185, 185 और 20 कितना हो गया 205, 205 और 50 कितना हो गया 255%, और 255% को कितने से भाग दे देंगे 15 से भाग दे देंगे, तो 15 से कैंसिल करेंगे एक बार, 15 × 7 = 105, तो इसका मतलब कितने परसेंट की बचत हो गई 17% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और 17% आंसर हो जाएगा जो कौन से ऑप्शन पे दिया है पांचवें क्वेश्चन में भाई, ऑप्शन दिया है सी, इसका मतलब हमारा आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बस यहां पर स्टूडेंट गलती एक ही जगह करते हैं, यहां बस मल्टीप्लाई किससे करना है और 15 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, इसका ध्यान रखना है, इससे डिवाइड करना ना भूलें, बस ये गलती ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और कभी कभी परसेंटेज का मल्टीप्लाई करने में गलती करते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया पहचान क्या है, जो पूछा है उस प्रतिशत का मल्टीप्लाई करना है, बचत पूछी है तो बचत के परसेंट से ही मल्टीप्लाई करना है, खर्च पूछा है तो खर्च के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, जो पूछा उसी के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। बात क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आनंद से पढ़िए भाई, टेंशन मत लो, विद्यार्थी बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस कोरोना की वजह से, ये तो चलता रहेगा यार, लाइफ में एक संघर्ष चलता रहता है, कुछ नहीं है, हमारे पास बस एक ही ऑप्शन होता है, कोई चॉइस नहीं होती, बस लड़ने का एक ही ऑप्शन होता है, लड़ते हैं, हर परिस्थिति में इंसान रह सकता है, इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि उससे मतलब वो डिफीट खा जाए, जब तक वो खुद ना चाहे, चाहे वो कुछ भी हो, इतनी ताकत है, तो बस जरूरत है तो अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानने की, तो कोरोना से भी लड़ लेंगे आप, सब चीज से लड़ लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं आएगी,
किसी भी चीज की वेकेंसी की, एडमिट कार्ड, किसी भी चीज की टेंशन मत लो, बस पढ़ाई करो, वो सारे काम तो अपने आप हो जाएंगे। तुम पहले उस काबिल बनो तो सही कि वेकेंसी आए तो हमारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए। तुम बस वहां काम करो कि मुझे उस काबिल बनना है कि अगर एक वैकेंसी भी भारत के अंदर निकलती है तो वहां सिलेक्शन मेरा होना चाहिए सबसे पहले। बस आप उसके लिए काम करो, वहां काम करो, अपने आप को दिन प्रतिदिन बेटर बनाओ, बेटर बेटर बेटर। एक दिन 100% सिलेक्शन हो जाए, कुछ है नहीं है, बैठे बैठे सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेते हो काम का की। देखो ठीक है भाई, पांचवा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिक्स क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। किसी शहर की जनसंख्या 75,000 है जिनमें 39,000 पुरुष हैं, ज्ञात करो महिलाओं की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी यदि कुल जनसंख्या 20% बढ़ जाए और पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाए। तो भाई पुरुष मेल, देखो पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, मैं करा देता हूं सॉल्व। मेल किसी भी पॉपुलेशन में दो तरह के लोग होते हैं, या तो मेल होंगे मतलब आदमी होंगे, मेन भी कह सकते हैं, या फीमेल होंगी, या मैं ये कह सकता हूं मैन और वुमेन, कुछ भी कह सकते हैं। और टोटल पॉपुलेशन, टीपी का मतलब टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या में आदमी होंगे, महिलाएं होंगी, बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं कहा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें जो जितना क्वेश्चन में कहा गया है बस उतना ही करना है। तो मेल प्लस फीमेल बराबर टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा उसने किसी शहर में 75,000 कुल जनसंख्या है, तो इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन दिए भाई 75,000, तो हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो रेशियो फाइंड आउट करना है बस। और 75,000 में 39,000 पुरुष हैं, मतलब मेल कितने हैं भाई 39,000, तो हमें फीमेल अपनी तरफ से निकालनी पड़ेगी, फीमेल अपनी तरफ से निकालनी पड़ेगी और हमें रेशियो बनाना है। मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रेशियो बनाना है, सबसे पहले रेशियो बनाना है। तो 39,000 को 75,000 में से सबसे पहले माइनस करेंगे, तो 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 35,000 आएगा, लेकिन हमें 1,000 का मतलब 36,000। मैंने क्या किया, पहले आसानी के लिए इसमें से सीधा 40,000 माइनस कर दिया, जबकि करना कितना था 39,000, तो 40,000 माइनस करने पर हमारा आ रहा था 35,000, तो 1,000 बढ़ के हो जाएगा 36,000। आप चाहें तो ऐसे कर लो, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, और 6 में से 3 गया तो 3। देखो 3 0 3 0 रेशियो में कॉमन कट जाता है, 3 0 3 0 कट जाएगा, 3 से ये 13 बार कट जाएगा, 13 3 39, 3 से ये 12 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 25। अब हो गया हमारे पास रेशियो आसान। अब जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन में कहा है उसने कि जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में 20% वृद्धि हुई और पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ी। तो देखो वृद्धि और कमी का यहां बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वृद्धि होगी तो प्लस लगाना है, कमी होगी तो माइनस, हमेशा साइन लगा के चलना है। तो कुल जनसंख्या में 20% वृद्धि, तो कुल जनसंख्या में 20% वृद्धि तो मल्टीप्लाई 20% वृद्धि कह रहा है तो प्लस, तो यहां पर टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी 25 दूनी 50, 500% की टोटल वृद्धि हो जाएगी, ठीक है भाइयों। अब देखो, देखिए विद्यार्थियों, उसके बाद देखो, उसके बाद उसने कहा है कि यदि कुल जनसंख्या 20% बढ़ जाए, पुरुषों की जनसंख्या 10%, पुरुष हैं कितने 13, और वृद्धि कितनी हो रही है 10% से, तो प्लस 10% का मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई प्लस 130%, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या 130% बढ़ी है और कुल जनसंख्या 500% बढ़ी है, तो इसका मतलब महिलाओं की जनसंख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन में आदमियों की घटा करी तो महिलाओं की जनसंख्या का परसेंटेज निकल के आएगा, या ये कह सकते हैं कि यहां पर कितना परसेंटेज चेंज करें कि ये 500 हो जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, 500 में से 130 को घटाएंगे तभी तो महिलाओं में कुल परिवर्तन आएगा, तो 500 में से 130 को माइनस करेंगे तो 100 माइनस करेंगे 400 हो जाएगा, 30 माइनस करेंगे तो 370% का परिवर्तन आएगा। और रेशियो से डिवाइड करना ना भूलें, 12 से डिवाइड करना ना भूलें भाई, 12 से डिवाइड करना ना भूलें। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, देखो 4 से कट रहा है ये भाई, नहीं कट रहा, 2 से कटेगा बस, तो 2 से कितने बार कटेगा, एक बार कटेगा, 2 8 16 185 बार कटेगा और ये 6 बार, बस 6 से भाग दे देंगे, 6 3 18, 5 में नहीं जा रहा 0 50, 6 47 48 48, 30.8%। और आगे भी आ सकता है ऑप्शन में जो दिया है, ऑप्शन के हिसाब से, तो इसमें दिया है
30.83 ए ऑप्शन पे, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा 30.83%। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा, बस ये देखना है कौन सा परसेंटेज चेंज कहां दिया है उसके रेशियो में ही मल्टीप्लाई करना है। ऐसे यहां पर टोटल पॉपुलेशन में दिया था तो टोटल पॉपुलेशन के सबसे पहले रेशियो बनाना है, रेशियो बनाने के बाद जिसमें परसेंटेज चेंज दिया उसमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आदमियों में दिया तो उसमें किया, महिलाएं निकालनी है तो टोटल पॉपुलेशन में से आदमियों को घटाना पड़ेगा, 500 में से 130 को माइनस किया 370 महिलाओं में परसेंटेज चेंज आ गया। लेकिन हमें ये निकालना है ये 370 क्या है, ये 370 ये वाली चीज है और हमें ये देखना है कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें 12 में 370 हो जाए, तो उसके लिए 12 से भागी तो देना पड़ेगा, 12 से भाग से डिवाइड करना नहीं भूलें भाई। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 30.83%। ठीक है, समझ में आगे हो गया क्वेश्चन क्लियर। आज का टाइप बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, कोई भी टाइम नहीं लगता, और अगर तुमसे नहीं आता तो भाई टाइम लगेगा। ये जो कंसेप्ट मैं बताता हूँ ये बस इसीलिए बताता हूँ कि आप क्वेश्चन को पहचान पाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का 7th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ के सुना देता हूं मैं 7th क्वेश्चन को। चार व्यक्तियों की आय 7:4:8:10 के अनुपात में है, पहला व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति 30% बचाता है, तीसरा व्यक्ति 40% बचाता है, चौथा व्यक्ति अपनी आय का 10% खर्च करता है। यदि सभी व्यक्तियों की कुल आय तथा कुल खर्च का अंतर 5700 है तो उन सभी व्यक्तियों की कुल आय क्या है, कुल आय क्या है ये पूछा है भाई। करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे फिर मैं बताता हूं। अभी पीछे वाले क्वेश्चनों में परसेंटेज सेम प्रकार का दिया होता था, यहां कहीं खर्च दे दिया है कहीं बचत दे दिया है, तो इसका इलाज क्या है भाई? नई नई मर्ज होगी तो इलाज भी तो अलग ढूंढना पड़ेगा, तो ये एक नई तरह की मर्ज है, इसका इलाज अलग ढूंढना पड़ेगा। बुखार आ रहा होगा तो गोली से काम चल जाएगा, हल्का फुल्का आ रहा होगा, तेज आ रहा होगा तो उसे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो वही वाला हिसाब है। क्वेश्चन जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से उसको करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा चेंज है। देखो देखो भाई, 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में उसने चार व्यक्तियों की आय 7:4:8:10 के अनुपात में दी है, 7:4:8:10, तो टोटल भैया कितनी हो गई सबकी आय देखें तो 10 और 8 18 और 4 22 और 7 कितनी हो गई भाई, 29 हो गई कि नहीं हो गई? हो गई, टोटल कर लिया, रेशियो बन गया। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, अब क्वेश्चन में पढ़ के बताऊंगा तब आपको आसानी से समझ में आ गया आएगा। देखो, पहला व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति 30% बचाता है, तीसरा व्यक्ति 40% बचाता है तथा चौथा व्यक्ति अपनी आय का 10% खर्च करता है, सभी व्यक्तियों की कुल आय कुल खर्च का अंतर इतना है। तो देखो भाई, इसमें आप चाहे खर्च का परसेंट निकाल लो चाहे बचत का परसेंट निकाल लो, सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं सीधा यहां पर खर्च का परसेंट निकाल लेता हूं, लेकिन एक चीज बस ध्यान रखनी है कि हम जब रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर एक में ऐसा नहीं कर सकते, एक में खर्च का कर दिया, एक में बचत का कर दिया, एक में पास का कर दिया, एक में फेल का कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में बचत का ही करेंगे, अगर खर्च का करेंगे तो सब में खर्च का ही करेंगे, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो देखो, मैं खर्च कोई भी निकाल लो, खर्च का परसेंट चाहे बचत का, तो मैं खर्च का निकाल लेता हूं। तो उसने कहा है कि ये जो पहला व्यक्ति है वो अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो 7 इसकी इनकम है, 20% खर्च करता है, तो कुल खर्चा इसका कितना हो जाएगा, 7 × 20 = 140%। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो है वो 30% बचाता है, इसका मतलब 30% बचाता है, तो भाई खर्च निकालेंगे तो 100 में से 30 को माइनस करेंगे, तो 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई खर्चा कितना करेगा, 70%, तो 7×28 = 280% खर्चा ये कर देगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा व्यक्ति क्या करता है भाई, तीसरा व्यक्ति 40% बचाता है, तो खर्च कितना करेगा, 40% में मल्टीप्लाई करेंगे 100 में से घटाकर 8×48, तो 480%। ठीक है, खर्च करेगा। उसके बाद चौथा व्यक्ति अपनी आय का 10% खर्च करता है, ये तो खर्च ही दिया है, तो सीधा इसमें 10% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने देखो, मैंने सब में खर्च परसेंट का ही मल्टीप्लाई किया है, जहां मुझे खर्च का दिया था वहां पर मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, जहां बचत का दिया था उसको पहले खर्च में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारे खर्च हो गया,
ए ने कितना परसेंट खर्च कर दिया, इसने कितना परसेंट खर्च कर दिया, इसने कितना परसेंट खर्च कर दिया और इसने कितना परसेंट खर्च कर दिया, तो कुल कितना खर्चा हो गया भाई ये बता सकते हैं हम? कुल कितने खर्चे के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो देखो ये हो गया 280 और 400 कितना हो गया 600, 600 और 160 कितना हो गया 760, 760 में 140 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 900, 900 और 100 कितना हो गया भाई 1000। तो ये 1000% का टोटल खर्चा और भागों से डिवाइड करना ना भूलें, बटे 29 इतना परसेंट खर्च हो गया, ठीक है, इतना परसेंट कुल खर्च हो गया। लेकिन उसने कुल खर्च नहीं पूछा, उसने उसने हमें खर्च और आय का अंतर दिया है। तो इसके हम ये जो है खर्च का परसेंटेज है तो इसकी सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए 100 से भाग देंगे तो 100 से भाग देने पर 2 जीरो हट जाएंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 10/29। तो नीचे तो आ जाएगा भाई इनकम का रेशियो, मैंने बताया था कुल रेशियो नीचे आता है और ये परसेंटेज किसका है, ये परसेंटेज किसका है एक्सपेंडिचर का, खर्च का। तो ऊपर आ जाएगा खर्च कितना हो गया, यहां से बचत और इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें दिया है खर्च और बचत का अंतर। तो खर्च और आय का अंतर, खर्च और आय का अंतर निकालेंगे तो 29 और 10 का अंतर कितना हो गया 19, 19 रेशियो का मान इसने बराबर दिया है 5700 के, 19 दुनिया 19 से 57, तो 1 रेशियो का मान प्यारे विद्यार्थियों कितना आ गया 300 आ गया। हमसे पूछा क्या है, बताइए उसकी कुल आय, तो आय का कितना रेशियो है 29, तो उसकी कुल आय निकालेंगे इनकम, तो इनकम बराबर आ जाएगी भैया 29 × 300, तो 29 × 58 27700 हमारा आंसर होता है, हो जाएगा। इसका मतलब चारों व्यक्तियों की कुल आय जो है, चारों व्यक्तियों की टोटल आय 8700 है, ये जो है ना टोटल आय 8700 है परफेक्ट में। जब हमें परफेक्ट में आंसर पूछा होगा तो उसके लिए एक रेशियो का मान निकालने के लिए कोई ना कोई वैल्यू जरूर दी होगी, जैसे यहां पर हमें दिया था इन दोनों का अंतर, वहां से एक रेशियो का मान हो गया, इनकम निकाल ली, ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट, तो देखो आज की क्लास का 8th क्वेश्चन, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 8th क्वेश्चन देखेंगे भाई, 8th क्वेश्चन में क्या कहा है, 8th क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। 8th क्वेश्चन में कहा है किसी घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56% कम है तथा चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है। यदि गेहूं और चावल और दाल पर खर्चों को क्रमशः इतने इतने प्रतिशत बढ़ाया जाता है, यदि कुल खर्च में 540 की बढ़ोतरी होती है तो ज्ञात करो परिवार की आय कितनी होगी यदि उनकी बचत 500 रुपये हो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे, एक बार और समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी गेहूं में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56% कम है, ये दिया है। चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है। तो सबसे पहले तो गेहूं चावल और दाल इनके खर्चों का रेशियो बना लेते हैं भाई, रेशियो बनाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो रेशियो बना लेते हैं। तो उसने कहा है कि ये कह रहा है कि किसी घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56% कम है तथा चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है, यदि गेहूं चावल और दाल पर खर्च को क्रमशः 9.5%, 17.5%, 12.5% बढ़ाया जाता है, यदि कुल खर्च में 540 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो ज्ञात करो परिवार की आय कितनी होगी यदि उनकी बचत 500 रुपये है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कोई फैमिली है, एक परिवार है, वह दाल चावल और गेहूं पर अपना खर्चा करता है, तो उन खर्चों में पहले उन पर कितना कितना खर्चा होता है हमें यह पता करना पड़ेगा, फिर उन खर्चों में वृद्धि या कमी हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद लास्ट में 500 रुपये की बचत होती है और कुल खर्च में 540 रुपये की बढ़ोतरी होती है। उसने ये हमको दो चीजें दी हैं एक रेशियो का मान निकालने के लिए। मान परफेक्ट में पूछा है तो परफेक्ट मान की जरूरत पड़ेगी। तो देखो 8th क्वेश्चन पढ़ लेंगे ध्यान से, आराम से नोट कर लेंगे साथ के साथ,
क्योंकि अभी मैं इस क्वेश्चन को हटा दूंगा, सॉल्व कराऊंगा, तब इस क्वेश्चन को यहां से मैं हटा दूंगा। इसलिए एक बार में ही क्वेश्चन को, पहले ये जो टाइम आपको दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने इस क्वेश्चन को। अब सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझेंगे। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी पर आधारित है, कैसे है उस पर आधारित, ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। पहचानना जरूरी है क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो देखो, एक परिवार का अलग अलग मदों पर खर्चा दिया है, और वो मद कौन कौन से, तीन है भाई, वीट गेहूं है उसको मैं वीट, चावल है राइस, और दाल है पल्स। तीन जगहों पर खर्चा करता है, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर होगा इन तीनों मदों पर खर्चा करने, जितना जितना खर्चा हो रहा है उन सभी खर्चों को अगर जोड़ दिया जाए, सभी को जोड़ दिया जाए, तो उस व्यक्ति का टोटल खर्चा आ जाएगा कि उसका परिवार में कितना खर्चा हो रहा है। उसके बाद मैंने जब ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि सबसे पहले हमें रेशियो पता होना चाहिए कि गेहूं पर कितना रेशियो खर्चा हो रहा है, चावल पर कितना रेशियो खर्चा हो रहा है, दाल पर कितना परसेंट खर्चा हो रहा है, और टोटल खर्चा कितना है, इसका पहले रेशियो पता लग जाए, उसके बाद वृद्धि को बाद में देखेंगे। तो देखें इस क्वेश्चन में क्या हमें रेशियो बनाकर दिया है उसने, रेशियो नहीं दिया भाई, उसने सभी के खर्चों में प्रतिशत में रिलेशन दिया है, तो रेशियो हमें परसेंटेज से बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या दिया है। उसने कहा है कि गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56% कम है। तो देखो 28.56% का सबसे पहले फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, तो आपको दिख रहा होगा कि 28.56% जो है वो 14.28% का दो गुना है, 14.28 का दो गुना है, तो 14.28 का फ्रैक्शन होता है 1/7, ये उसका दो गुना है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/7। कमी की बात कर रहा है तो माइनस लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, इस 2/7 का मतलब क्या है, इसका मतलब लैंग्वेज से पता लगेगा कि गेहूं का खर्च चावल के खर्च से, तो चावल के खर्च का रेशियो सो हो गया 7, और गेहूं का जो खर्च है वो चावल के खर्च से 2 कम है, क्योंकि 28.56, मैंने आपको बताया था जब किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन में मान निकालते हैं तो जिससे तुलना की जाती है वो मान आता है नीचे, और जो तुलना की जाती है वो मान आता है ऊपर। तो ये जो 2 है ये 28.56% है चावल के खर्च का, तो चावल के खर्च का रेशियो नीचे आ गया। अब गेहूं का खर्च निकालेंगे, गेहूं का, तो गेहूं का खर्च कितना निकालेंगे, 7 में से 2 को माइनस करके गेहूं का खर्च कितना आ जाएगा, 5:5, तो ये 5:5 जो खर्चा है वो किसका हो जाएगा भाई, गेहूं का, वीट का, W से डिनोट कर रहे हैं उसको, और ये जो है चावल का खर्चा है, ठीक है। तो यहां से हमें 1:1 मिल गया भाई, हमें यहां से 1:1 मिल गया कि यहां पर वीट पर जो खर्चा है वो 5:5 है, और चावल पर जो खर्चा है वो 7:5 है। बाकी का फिर आगे देखते हैं। अब हमें दाल का और मिल जाए रेशियो, तो दाल के रेशियो के लिए फिर से आगे कुछ ना कुछ दिया होगा। तो उसने कहा चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है, तो 12.5% कम है, तो -12.5%, तो -12.5% का फ्रैक्शन क्या बनेगा भाई, 7/8, पीछे आपको बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है। तो किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, चावल के खर्च का कंपैरिजन किससे हो रहा है, दाल के खर्च से। तो जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है वो वैल्यू नीचे आती है, और जिसका कंपैरिजन हो रहा होता है वो मान ऊपर आता है। तो राइस का खर्चा हो गया 7, तो देखो राइस का कितना है, 7 ही है, इसका मतलब रेशियो बिल्कुल सही है। रेशियो कैसे सही है, राइस का यहां भी 7:5, राइस का यहां भी 7:5, इसका मतलब रेशियो बिल्कुल करेक्ट है। तो दाल का खर्चा कितना रेशियो हो जाएगा, 8:5, तो भाई दाल का खर्चा हो गया यहां पर 8:5, ठीक है। तो 8 और 7 15 और 5, तो टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया 20, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो 20 हो गया, गेहूं पर खर्च 5 हो गया, चावल पर खर्च 7 हो गया, दाल पर खर्च 8 हो गया। अब उसके बाद इनमें आपको परसेंटेज में परिवर्तन दिया होगा, तो देखो कितने कितने परसेंट खर्चा किस किस चीज पर बढ़ा है। तो उसने कहा है कि गेहूं चावल और दाल पर 9.5%, तो सबसे पहले गेहूं पर, तो गेहूं पर 9.5% से बढ़ा है, 5:5 है गेहूं का और 9.5% से बढ़ा है, तो हम 5 में 9.5% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पता लग जाएगा गेहूं की वजह से खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया। तो गेहूं में 9.5% की वृद्धि हुई है, रेशियो है 5, तो खर्चा कितना बढ़ गया ये निकालेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 9.5 में करेंगे, तो करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 का 5 और कैरी आ जाएगा 2,
नौ पंजे 45 और दो कितना हो जाएगा 47.5, ठीक है। तो 47.5% खर्चा तो भाई इसका यहां से बढ़ गया। फिर उसके बाद देखेंगे चावल पर कितना परसेंट बढ़ा, तो चावल पर 17.5% बढ़ा है। तो चावल पर 17.5% बढ़ा है और 7 रेशियो है चावल का, तो 7 × 17.5% मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना हो गया, तो 17.5 में 7 का, तो 7 × 5 = 35, 5 बचेगा कितना 3, पॉइंट लगा लेंगे 77 = 49 और 3 = 52, 5 और 7 और 5 = 12, तो यहां से बढ़ जाएगा भाई 122.5% खर्चा यहां से बढ़ गया। फिर उसके बाद देखेंगे दाल, तो दाल का कितना बढ़ रहा है भाई, तो दाल का बढ़ रहा है 12.5% और दाल का रेशियो कितना है 8, तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 12.5% से, तो 12.5% से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 × 5 = 40, तो 0 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 4 बचेगा, 8 × 2 = 16 और 4 = 20, 0 = 2 बचेगा, और 8 और 2 = 10, तो यहां पर बढ़ जाएगा आपका 100%। अब उसके बाद कुल खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ा ये निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो 47.5% यहां बढ़ा, 122.5% यहां बढ़ा, 100% यहां बढ़ा, तो टोटल खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया, तो कुल खर्चा निकालेंगे कुल कितना बढ़ गया, इसको मैं अलग कर देता हूं। देखो इधर से अलग, ये मैंने केवल फ्रैक्शन निकाला है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे चल रहा है। तो यहां पर टोटल खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ गया ये निकालेंगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना परसेंट बढ़ गया ये निकल के आ जाएगा। 47.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 में 2 × 50 = 70, तो 170, 170 और 100 तो ये बढ़ जाएगा 270%। और भाग से डिवाइड करना ना भूले बाई 20, तो भाई इसका खर्चा जो है वो बढ़ गया हमारा 27/2%। ऐसे ही रखते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसने ये पूछा होता कुल खर्चा कितने परसेंट बढ़ा तो मैं यहां से 13.5% आंसर कर देता, 27/2 आंसर कर देता, लेकिन क्वेश्चन में आगे और कुछ दिया है इस वजह से मैंने यहां पर कहा है। तो ये 27.2% क्या है, ये 27.2% है, खर्चा इतने प्रतिशत बढ़ गया, मतलब खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया या खर्चा कितना बढ़ गया वो वाली चीज है ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन में उसने दिया है, उसने कहा है यदि कुल खर्च में 540 रुपए की बढ़ोतरी हुई हो, इसका मतलब 540 क्या है, 540 ये सारे खर्चे बढ़ने के बाद जो कुल खर्च बढ़ा है वो वैल्यू है, और वो वैल्यू परसेंटेज में कितनी है 27/2, तो परसेंटेज में 27/2 है और परफेक्ट में 540 है, तो यहां से मैं इस वाली वैल्यू को उसके बराबर रख सकता हूं कि नहीं रख सकता भाई, सेम चीजों को बराबर रखा जा सकता है। तो ये भी खर्च में वृद्धि है, 27/2% भी खर्च में वृद्धि है, और ये वाली वैल्यू 540 के बराबर होनी चाहिए, 540 के बराबर, 27 से कैंसिल करेंगे 20 बार कट जाएगा, तो 1% का मान कितना आ जाएगा भाई, तो 1% का मान आ जाएगा 20 × 40, और कुल खर्चे के लिए ये खर्चे में वृद्धि है तो ये हो जाएगा 40, 1% का मान आ गया, तो खर्चे में वृद्धि जो है वो कितने के बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो 27/2% का मान 540 के बराबर क्यों रखा हमने, क्योंकि उसने कहा है कि यह कुल खर्च में 540 रुपए की बढ़ोतरी होती है, और खर्च में बढ़ोतरी परसेंटेज है कितना ये, इसका मतलब खर्च में बढ़ोतरी जो है सीधी 540 के बराबर है। तो 100% का मान निकालेंगे तो खर्चा आ जाएगा हमारा प्रारंभिक, तो 100% का मान निकालेंगे यहां से, 100% का मान निकालेंगे तो 100% की वैल्यू बराबर आ जाएगी 4000 के, तो 4000 रुपए जो है ना वो प्रारंभिक खर्चा आ गया हमारा, प्रारंभिक खर्चा आ गया भाई हमारा 4000 रुपए। उसके बाद उसने बचत हमको दी है, बचत उसने दी है कितनी 500 रुपए, तो प्रारंभिक खर्चा 4000 था, बचत 500 रुपए है, तो आप उसने कहा है तो बताइए ज्ञात करो परिवार की आय कितनी होगी, तो हमें इनकम बतानी है, तो इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है भाई, इनकम जो है किसी भी परिवार की इनकम जो है वो बराबर होती है कितना खर्चा हुआ और प्लस कितनी बचत हुई। बचत क्वेश्चन में हमें दी है उसने 500, खर्चा हमने निकाल लिया 4000, तो इनकम कितनी हो जाएगी 4000 रुपए खर्चे में अगर मैं बचत 500 को ऐड कर दूं तो भाई इनकम आ जाएगी कितनी, आ जाएगी
4500 रुपए, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 4500 रुपए। तो देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने रेशियो बनाया, परसेंटेज में हमें रेशियो बनाने के लिए परसेंटेज दिए थे, उनसे सबसे पहले मैंने रेशियो बनाया कि चावल पर, गेहूं पर कितना खर्चा होता है, चावल पर कितना, पल्स पर कितना, टोटल एक्सपेंडिचर कितना। उसके बाद इनमें परसेंटेज में वृद्धि दी थी, वृद्धि है सब में ये वृद्धि है भाई, प्लस लगा के लिखेंगे, सब में वृद्धि है, वृद्धि का मतलब होता है प्लस और माइनस, क्योंकि ये प्लस और माइनस के साइन भी जो है वैल्यू रखते हैं, अगर एक माइनस होता फिर उसको घटाना पड़ता, यहां पे सारे प्लस हैं तो मैंने सबको जोड़ दिया, 270 बटे भाग से डिवाइड करना ना भूलें 20, तो ये 27/2% क्या है, 27/2% उसके कुल खर्चे में वृद्धि है। इन सभी में वृद्धि होने के बाद उसका कुल खर्चा कितना बढ़ा, और वो हमें क्वेश्चन में 540 रुपए दिया है, तो वो हमें दिया है तो हम इन दोनों चीजों को बराबर रख सकते हैं, तो मैंने बराबर रख दिया। यहां से 1% का मान 40 आ गया, खर्चे के लिए 100% का मान निकालेंगे तो कितना आ गया, 4000 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, 100% का मान जो 4000 रुपए, ये कुल खर्चा हो जाएगा, कुल खर्चा कितना हो रहा था इन चीजों पर, और बचत कितनी हो रही है 500, तो 4000 का खर्चा हो रहा है, 500 की बचत हो रही है, तो इसका मतलब टोटल इनकम कितनी हो जाएगी उसकी, 4500 रुपए।